नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पीके क्यों कह रहे हैं आरजेडी दुश्मन नंबर वन और एनडीए से क्यों कह रहे हैं कि मुकाबला होगा, पीके को पहले सुनिए। आरजेडी के वो लोग हैं जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई, लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है, तो भगदड़ वहां मची है। चलिए आते हैं डिबेट पर। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, पूजा शर्मा प्रवक्ता जेडीयू से, सुरेश कुमार शर्मा प्रवक्ता जनसुराज से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा इस बयान पर हम जनसुराज की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से। सारिका जी, प्रशांत किशोर को हल्के में लेना बड़ा ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। प्रशांत किशोर कुछ कहते हैं और उससे पहले कि वो डेटा रखते हैं और जो चीज़ें वो देख पा रहे हैं या फिर जिस पत्र का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर आप लोगों ने अपनी बात भी रखी, लेकिन ये जो पत्र है, इस पत्र की एक एक लाइन वो याद कर बैठे हैं, दिमाग में प्रशांत किशोर ने बिठा लिया है कि भाई भगदड़ तो मची है और ये परसेप्शन सेट कर सकता है। सारिका पासवान जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या प्रशांत किशोर की बातें इतनी सरल हैं? इसमें ऐसा कोई कांटा नहीं है जो आपको चुभ रहा है? आज हम लोग जिस चर्चा पे हैं तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आखिर ये प्रशांत किशोर हैं कौन? एक राजनीतिक ब्रोकर जिनका काम ही है एक पार्टी को दूसरे पार्टी के साथ मिला करके सरकार बनाने, ब्रोकरी का काम करते हैं ये। अरे ये वो प्रशांत किशोर हैं जो जनसुराज की स्थापना और अपने अंदर जो उन्होंने पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति उन्होंने पैड यानी कि वेतन पे रखा है, कोई विचारधारा नहीं है प्रशांत किशोर जी की। और आप देखिए, प्रशांत किशोर जी भी राजनीति की शुरुआत जो है ना, वो आरजेडी का ही दामन पकड़ के करना चाह रहे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर वो लालू प्रसाद यादव जी का नाम, राष्ट्रीय जनता दल का नाम, तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं लेंगे तो आखिर उनको सुनेगा कौन? तो डर किसको है भाई? कौन है जो हमारे पत्रों को लाइन बाय लाइन रट रहा है? अब रही बात पत्र निर्गत कराने की, तो अगर कोई झूठा, कोई फरेबी, कोई जुमलेबाज, कोई गुमराह करने वाला व्यक्ति अगर हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए मार्केट में छोड़ा गया है या घूम रहा है, तो हम तो भाई अपने कार्यकर्ताओं को सचेत करेंगे। पासवान जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, सचेत करें, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जब नंबर्स आपके बढ़ाए जा रहे थे, प्रशांत किशोर ने तब कोई बयान नहीं दिया था, तब वो भीतर रहकर पर्दे की पटकथा लिख रहे थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि वो ब्रोकर है, बिजनेसमैन है, क्या है क्या है। आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर वो अपनी पार्टी जल्द ही पूरी फॉर्म तरीके से लाने की कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ठीक है ना, अगर आपके पास भी है, आप भी जैसे कि वो पदयात्रा पर थे, उन्होंने जाकर बताया कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे, सामने वाले तो देख रहे हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए, ये सवाल तो हमारे घर में भी पूछा जा सकता है, हम भी पूछेंगे भाई कि आपने क्या किया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि प्रशांत किशोर अगर प्योर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और मैदान में उतरना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? और जो जिस पत्र का वो बराबर जिक्र कर रहे हैं, उस पर तो आप लोगों ने कह ही दिया है। अब प्रशांत किशोर के ऊपर व्यक्तिगत हमला आरजेडी की तरफ से होना, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पहले ही सरेंडर कर देने जैसा है? नहीं नहीं, देखिए विवेक जी, हमने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। जो वो करते थे, इसके पूर्व आपने भी कहा, आपने उसे ढक ढुक करके कहा और मैंने उसे ओपनली कहा कि प्रशांत किशोर जी एक जमाने में ब्रोकरी का काम किया करते थे। नहीं नहीं, ये ब्रोकरी वाला मत कीजिए, हायर किया जाता, नहीं, अगर उनकी टीम थी उनको हायर किया जाता है कि आप कैलकुलेशन और पूरे डेटा के हिसाब से आप पूरी तरीके से बताइए हम कहां कमजोर है, वहां इलेक्शन में किस तरीके से लड़ सकते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजी इसको कहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को भी वो हायर कर रहे हैं, पेड कार्यकर्ता बना रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है और प्रशांत किशोर जी ने अपने बयानों में ठीक है ना, अगर पेड कार्यकर्ता ही बनाने की बात, बंदी को खोल देंगे। ठीक है सारिका जी, अगर पेड कार्यकर्ता, मैं किसी की तरफ से कोई बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं जनसुराज की तरफ भी आऊंगा। हमारा ये कहना है कि प्रशांत किशोर ने अगर पेड कार्यकर्ता बनाना शुरू किया
तो आप लोगों को भी चाहिए 10-15 नाम ऐसे कुछ लोग हैं उनको सामने लाइए और कहिए कि हाँ प्रशांत किशोर ने उनकी शर्ट को ऐसे पकड़ लिया, बोले कि भाई यहां ठीक है अब आपको कार्यकर्ता बनना है, इतने पैसे लेंगे ऐसे बनाएंगे। तो ऐसा नहीं, अगर कोई भी चीज आप कह रही हैं, कोई भी बात कह रही हैं, तो उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा पत्र या फिर जेन्युइन कोई अगर विषय है तो उसको सामने रखिए। नहीं नहीं विवेक जी, एकदम जेन्युइन बातें हमने सामने रखी हैं। पत्र हमने प्रशांत किशोर जी के लिए नहीं निकलवाया था, हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए निकाला था, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में घूम घूम करके ये पेड कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, बेरोजगारी का आलम आपको पता है कि बिहार में चरम सीमा पे है, पिछले 18 साल से सरकार के आरजेडी के खेमे में इस कदर से समाज में फैलाया है, और जिस तरीके से उन बेरोजगारों का शोषण, ये मैं शोषण, आप बेरोजगार की नहीं कह रहे हैं, आप बेरोजगार की नहीं कह रहे हैं, क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को बेरोजगार कह रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं? अभी तक प्रशांत किशोर का फोन, अभी तक प्रशांत किशोर का फोन मेरी पहचान में किसी को नहीं आया। राजनीतिक राजनीति विवेक जी सुन तो लीजिए, प्रशांत किशोर जी की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि वो एक ब्रोकर की भूमिका में है और वो अपने पेड कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसे संगठनों का कोई वजूद नहीं होता है। आज नहीं तो कल देखिए जनता के सामने इनकी झूठ और सच जो है ना वो सामने आएगी। और आरजेडी को क्या मतलब है भाई, तो क्यों समझाना पड़ रहा है, आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों समझा रही हैं, चाहे वो कबड्डी खेले, आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों समझा रहे हैं, उधर मत जाइए। लोकतंत्र क्यों नहीं समझाएंगे भाई, अगर कोई ठग रहा है उनको, कोई बरगला रहा है, तो हमारे तो प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकर्ता को अगर कोई समझाता, एक मिनट, कार्यकर्ताओं को निश्चित सारिका जी करेंगे, प्रशांत किशोर की पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अगर कोई बड़ी पार्टी वाले समझाते तो लगता कि भाई हाँ अभी पार्टी बनने जा रही है, बहला फुसला सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं को कोई समझा कर बहला कर फुसला कर ले जाएगा? अपने कार्यकर्ताओं पर आपको भरोसा नहीं है? बहुत मुश्किल है, हमारे कार्यकर्ताओं को कोई बहला करके फुसला करके नहीं ले जा सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी की राजनीतिक विचारधारा यही है जो मैंने कहा है। नहीं, आप इसको नाम दीजिए, लेमन चूस पॉलिटिक्स थोड़ी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, बहुत परिपक्व है, जरा आइएगा। सुरेश कुमार शर्मा जी, आज भी वो ब्रोकर की भूमिका में, सुरेश कुमार शर्मा जी, बहुत सारे नाम, राजनीतिक विचारधारा नहीं, प्रशांत किशोर के कई पर्यायवाची और कई शब्दों से अलंकृत आरजेडी की तरफ से किया गया, लेकिन सवाल है कि दो तो दोनों तरफ एनडीए से मुकाबले की भी बात कह दी और आरजेडी को तो कह ही दिया कि बस खत्म है। बिल्कुल, आप विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि अभी सारिका जी ने जो बात कहा, इनका कहना है कि मोहब्बत में गिरफ्तार युवक युवती को कैमरा में बंद करके हम लोग भागने से बचा लेंगे, इनका इनडायरेक्ट यही बात कहना है। ऐसा नहीं होता है, वो भागेगा ही, बहुत दिन तक साथ रह गया, बहुत दिन तक देख लिया, और ये क्या टकराएंगे आपको हमसे? पहले 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 सुरेश जी, इस बात को जरा क्लियर कर दीजिए, पेड पॉलिटिक्स टाइप की चीजें हो रही है कि कार्यकर्ताओं को आप खरीद ले रहे हैं या फिर उन्हें बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, कोई छड़ी वड़ी लाए हैं क्या पॉकेट वगैरह में, कोई जादू वाली छड़ी घुमा कर देखिए, मेरी तरफ मत डालिएगा, ये तो पता चला, ऐसा कुछ है क्या आपके पास? हम आपको क्लियर कर दें कि जिससे काम लेते हैं उसको पैसा देते हैं, आपको हम रोजगार की बात करते हैं, हमारे सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट में अगर किसी को कुछ पैसा मिल रहा है तो बुरा क्या है, वो गरीब आदमी लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, आपको कोई बुराई नहीं है। देखिए इनका, आप देखिएगा कि और पार्टी के लोग जो आएंगे, इनका वसूल है कि दूसरे को नीचा दिखा के अपने को बिगर प्रोजेक्ट करना, और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप नीचा दिखा के अपने को बड़ा साबित कर लीजिएगा। मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं एक बात कहता हूं, अब बाकी सब लोगों से आप राय ले लीजिए, मुझे दोबारा समझ देने की आवश्यकता नहीं है। जो बात कहा जा रहा है कि 2025 का चुनाव, प्रशांत किशोर जी की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा है कि आपको 243 पर हम लोग लड़ेंगे और 243 पर हम लोग लड़ेंगे, और मैं यह आपको बता दूं कि वह लड़ाई इन लोगों से होगी और लड़ाई में कहीं टिकेंगे ही नहीं, इसलिए नहीं टिकेंगे कि जो मुद्दे हमारे हैं उस मुद्दे से हम हटेंगे नहीं और उन मुद्दों पर ही हमसे ही डटेंगे नहीं। आपको एकदम क्लियर कट बात हमारा मुद्दा पूछ लीजिए ना कि जन स्वराज का मुद्दा क्या है। आप आ रहे हैं मुद्दा पर, हमारा मुद्दा है
जो इन्होंने ही हमको हाथ में दिया है जातीय गणना करा के। हमारा मुद्दा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी ही चुराई हुई लाइन है, सुनिए ये हमारी ही चुराई हुई लाइन है भाई। अच्छा पूरा कर हमारी किए गए सुरेश कुमार शर्मा को पूरा कर लगाना चाह रहे हैं। आपको यह बताइए, आप इनसे पूछ लीजिए कि ये जिसकी जितनी संख्या भारी कहाँ से देगी? इनका तो बंटेगा 243 चार जगह, ये अकोमोडेट कर पाएंगी? आपको कह रही है क्या कि देंगी या तो सरकार? देखिए बरसात के समय में बहुत मेढक निकलते हैं, बरसाती मेढक जो है ना उनका काम ही होता है बरसात के समय में निकलना। और यूपी में भी एक पीला वाले चचा निकले थे, देख लीजिए उनका हासिया क्या हो गया। यहाँ भी पीले वाले भैया निकले हुए हैं, वो लोगों को बरगला रहे हैं, गांव और घरों में घूम रहे हैं, पैसा दे सदस्य बना रहे हैं। अरे विचारधारा कहाँ है भाई? विचारधारा पे तो बोल ही नहीं रहे हैं आप। अरे विचारधारा बोलिए ना, प्रशांत किशोर जी की विचारधारा क्या है? प्रशांत किशोर जो एक ब्रोकर थे उनकी विचारधारा क्या है? और इसके पूर्व भी वो क्या काम किया करते थे? ब्रोकरी का ही तो काम किया करते थे ना। हमारा यही है कि हम आपको जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से 243 कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर इनको दम है तो ये बोले कि हम भी खड़ा करेंगे, अब तब हमसे मुकाबला दिलचस्प कर सकती हैं। नहीं तो आपने पूछा, अरे भाई 243 तो सीट ही है, उतने पे ही खड़ा करेंगे। ठीक है, एक 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 सवाल, एक सवाल, एक सवाल जरा पूजा शर्मा से पूछते हैं। पूजा शर्मा जी, आपको याद होगा बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, हमारा याद होगा। लेकिन आज की तारीख में एनडीए से मुकाबले की बात, अगर एनडीए से मुकाबले की बात पूजा शर्मा अगर पीके कर रहे हैं तो समझिए कि कौन सा, पूरी स्थिति जानते हैं, जेडीयू की पूरी स्थिति को जान रहे हैं, जेडीयू के पूरे समीकरण को बता रहे हैं, जेडीयू कैसे कहां कैसे उड़ जाएगी यह भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि एनडीए से मुकाबला है। देखिए देखिए विवेक जी जी, मैं एक छोटी दो लाइन, गालिब जी का एक है शेर, मैं उस पर ही आप पहले शुरुआत करना चाहूंगी कि हमको मालूम है कि चुनाव 2025 की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए प्रशांत किशोर जी ख्याल अच्छा है। गालिब ने लिखा था, जैसे सारिका जी ने कहा कि वो प्रशांत किशोर कौन है। प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटेजिस्ट है, और एक स्ट्रेटेजिस्ट का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि किसी की पार्टी के किए गए कार्यों को, उस पार्टी के विकास के कार्यों को देखकर उस काम को और अच्छे से लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, और उस पार्टी के लिए काम करना, स्ट्रेटेजी बनाना और उस पार्टी को जिताने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपने जो कहा कि बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, मैं मानती हूं, ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने ये जो कैप्शन है, ये जो स्लोगन है, उन्होंने वो दिया था, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजी जो बनाई होगी जेडीयू के लिए, तो वो किस चीज के बेसिस पे बनाई होगी? हमारी सरकार जो है वो 2005 में आई थी, 2005 से 2010, 2010 से 2015, वो 10 सालों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए विकास के काम किए थे, उन्हीं कामों को उन्होंने मुद्दा लेकर कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी। और आज वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, उपकार नहीं मानते हैं। अरे भाई, आपका तो जॉब ही यही था, आप तो स्ट्रेटेजिस्ट थे, आपका तो प्रोफेशन ही यही है। और मैं बता दूं, अगर अभी छोटा मुंह और बड़ी जबान जो प्रशांत किशोर जी जो इतना बोल रहे हैं ना, उनको थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। 2025 का चुनाव, कहीं अगर उसमें वो अंधे मुंह गिर गए ना, तो हो सकता है कि स्ट्रेटेजिस्ट वाली जो जॉब है ना, उसमें उनको वापस आना पड़ेगा। तो थोड़ा संभल कर अपनी जबान को रखें तो वो उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन आपने जबान की बात कर दी, तो अब इस क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर की जुबान को या फिर उनकी बात को हम बीमा भारती के बयान से तो नहीं जोड़ सकते ना? बीमा भारती ने जो कहा था नीतीश कुमार के बारे में, फिर क्या हुआ सभी ने देखा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हल्के में नहीं लिए जा सकते, ये आप भी, आपकी दिल भी, आपका दिल भी गवाही इस बात का देगा, और नीतीश कुमार भी ये बात को जानते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर पीके कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी अलग और जेडीयू अलग, उन्होंने कहा कि मुकाबला हमारा एनडीए के साथ है, वो आरजेडी को बिल्कुल गिन भी नहीं रहे,
उन्हें ऐसा लग रहा है या फिर जो चीजें पत्रों के माध्यम से सामने आई आरजेडी खेमे से, उस बात में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरजेडी खेमे में भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गई होगी, जो लोग संपर्क में नहीं होंगे, जो होंगे वो तो अब आगे जाने क्या होगा। लेकिन पूजा शर्मा, हम ये जानना चाह रहे हैं, आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई, आप उस बुनियाद की बात करें कि नीतीश कुमार के नाम पर उनके किए गए कामों के आधार पर उन्होंने आगे को उसे बढ़ाया। हमें जरा ये बताइए, पीके के नहीं रहने के बाद उस नुकसान को आप क्या समझ पा रही हैं? पीके के रहना और पीके का साथ ना रहना, कितना बड़ा अंतर दिखता है आपको? नहीं नहीं नहीं, देखिए विवेक जी, मैं तो बार बार बोलती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, आज भी जो है, देखिए आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसी की बदौलत वो आज भी लोगों का जनता के विश्वास पर खड़े उतरते हैं। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं पूजा जी, और आगे भी वो उतरते ही रहेंगे। और पीके के साथ नहीं रहने पर जो नंबर आए, विवेक जी मुझे ये बताइएगा कि मैं जो आपसे पूछूंगी, जैसे कि कोई भी एक पार्टी है या कोई भी एक जो फर्म होता है वो स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करता है और उनको जॉब देता है कि वो उनके लिए काम करेगा, उनको जैसे कि बहुत सारे बिजनेस हाउस होते हैं, फर्म्स होते हैं, वो लोग भी हायर करते हैं लोगों को, लेकिन मेन उनका जो कार्य उन लोगों ने पीछे के सालों में जो किया है उसी को तो वो स्ट्रेटेजिस्ट काम लेकर चलता है ना। हाँ, तो उसी स्ट्रेटेजी बनाता है और उसी के लिए कहीं ना कहीं क्या ये कमी महसूस होती है पीके को, पीके की कमी? नहीं, इस बात की कमी किस बात की होगी? हमारी पार्टी जो है, हमारी एनडीए की अलायंस जो है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो तो हमेशा से जो जनता के लोकप्रिय रहे हैं, जनता के बीच में उनका विश्वास रहा है। पीके प्रशांत किशोर जी ने तो लोकसभा के लिए भी यही कहा था भाई कि जेडीयू जो है वो सिमट कर रह जाएगी 3-4 की सीट पर, और आप देख लीजिए उनके सामने हैं। उन्होंने खुले मंच पर ये स्वीकार भी किया कि हाँ इस बार जो उनकी जो स्ट्रेटेजी जो उनकी उनके पास जो वही मैं कह रही हूँ विवेक जी, वही मैं कह रही हूँ। ठीक है, देखिए वही मैं कह रही हूँ कि एक होता है ना, एक जो फोरकास्ट करते हैं भविष्य को, तोते से कार्ड निकलवाते हैं और भविष्य बताते हैं, तो प्रशांत किशोर जी ने अगर मान लिया था कि लोकसभा के लिए उनकी जो थी कैलकुलेशन वो गलत निकली, तो आगे 2025 के लिए भी हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारी एनडीए के लिए उनकी जो कैलकुलेशन या जो सोच कर चल रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत ही साबित हो रही है। प्रेम रंजन पटेल साथ में रहकर साथ को जाना जा सकता है, उसे समझा जा सकता है जो जेडीयू के साथ हुआ। प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से साथ में और एनडीए से दो दो हाथ करने के पूरे मूड में दिख रहे हैं पीके, आपकी भी स्ट्रेटेजी बनाई, जेडीयू की तो बनाई ही थी, तो यानी कि करीब से आप लोगों को जानते हैं और जेडीयू में तो भाई पद भी संभाला है, इसलिए इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। प्रेम रंजन पटेल जी कैसे देख रहे हैं पीके की बात को? विवेक जी, मैं दो विषयों पर चर्चा करूंगा जी। एक तो पहला कि आरजेडी खेमे में भगदड़। आरजेडी खेमे में भगदड़ इसलिए है कि वहां जिस प्रकार से तेजस्वी के नेतृत्व को सौंपा गया है आरजेडी के अंदर में, एक परिवार की पार्टी बनकर करके रह गई है। इससे लगता है कि जिस प्रकार से घबराहट आरजेडी के अंदर में है कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना देना, फिर नेता प्रतिपक्ष बना देना, लालू यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता, लोकसभा अगर लड़ना हो तो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, राज्यसभा में भी जाना हो तो मीसा भारती, और मंत्री बनाना हो तो पार्टी हो, और मंझे हुए जो ऐसे वहां नेता हैं, लेकिन उन लोगों का कोई महत्व नहीं है, उनको कोई स्थान नहीं मिलता है, इसलिए वहां जो ऐसे घबराहट इसलिए है कि लोग वहां भाग रहे हैं, वहां नए नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं, इसलिए वहां से कार्यकर्ता, वहां से पदाधिकारी, वहां के लोग जो चिट्ठी आरजेडी को निकालना पड़ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता प्रशांत के साथ न जाएं। दूसरी बात कि पार्टियां बहुत सारी बनती है, एक सवाल का उत्तर देते जाइए, चुनाव लड़ते हैं, आपकी फिल्म को समझना चाह रहे हैं, किस पर रहता है, बढ़िया काम करता है, आपके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अगर मुझे कोई परेशानी नहीं है, नहीं है, कोई आए कोई जाए, हमारे ऊपर भरोसा जनता का है। विधानसभा का चुनाव 2020 देख लीजिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, 2000
2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी पूरे देश में और बिहार में नीतीश कुमार साथ रह कर करके हम लोगों ने अगर 30 लोकसभा हमने जीतने का काम किया है तो 177 विधानसभा पर भी हमने जीत हासिल किया है। इसलिए हमें क्यों घबराहट है, और जिस प्रकार से हमारे साथ पार्टियां जुड़ रही है, जिस प्रकार से हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा लोगों का बढ़ रहा है, हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे आने वाले समय में 2010 में जो हमारा परफॉर्म था कि 206 सीटों पर जीते थे, इस बार 2025 का चुनाव उससे बेहतर होगा, उससे ज्यादा सीट जीतेंगे। इसलिए हमें कोई घबराहट नहीं है, घबराहट उनमें है जो पहले हार मान चुके हैं। ठीक है, सारिका पासवान। देखिए, मैं कह रही थी ना विवेक जी कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो ना, उसकी राजनीतिक रोटी जब तक राष्ट्रीय जनता दल का नाम ना ले उनकी तो पचती ही ना ही पकती है। अब देखिए, हम पीके जी के संगठन के बारे में बोलना चाहेंगे। पीके जी अपने संगठन में पेड कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर रहे हैं, इसके अलावा वो रिटायर्ड ऑफिसर्स की नियुक्ति अपने पार्टी संगठन में कर रहे हैं, वो रिटायर्ड ऑफिसर जो 5 साल पहले 7 साल पहले रिटायर्ड किए। और बिहार में पिछले 17 सालों से भाजपा और जेडीयू की सरकार है, और ये हमने सुना है कि पढ़े लिखों की पूरी टोली पूरी जमात उनसे काफी प्रभावित है पीके से। नहीं, इनकैपेबल ऑफिसर्स की नियुक्ति अब पीके में हो रही है, वो ऑफिसर्स जिन्होंने बिहार का बेड़ा, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्हें सिस्टम की समझ है, उन्हें जीवन क्या दे दिया, बिहार में बेरोजगारी देखिए, आप अभी देखिए ना, अभी इतने सारे जो कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी है।